तो बहन देखिए, ये जो सूर्य का बॉक्स हमारा बनकर तैयार हो चुका है और इसकी लंबाई हमने इसी में रखी है 3 फीट और हाइट में ये 32 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सेल किस प्रकार से डालना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे हम उसका पहले क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग में आपका जो टॉप का नीचे का लेवल है वहाँ से देखिए इसके अंदर अंदर साइज मार्किंग कितना है, ये हमारा आ रहा है 28.25 इंच। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें 2 सेल डालेंगे तो 3 बार में डिवाइड कर लेते हैं। और 3 बार में करते हैं इसका 27.5 इंच। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना, सबसे पहले हम नीचे वाला सेल को मारेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा निशान हो गया 9.5 इंच, ठीक है, ये हमारा 9.5 हो गया। और यहाँ से जो पीछे वाला भाग है, ये हमारा फ्रंट भाग है, यहाँ हमारे शटर लगेंगे और उस साइड में ब्रेक लगेगी। और यहाँ पे हमें मार्क करना है 8 इंच का मार्क, हमें 1.5 इंच क्या करना है इसका जो स्लॉट रखना है, और हम लगेंगे एक प्लाईवुड पट्टी जाते थे इस प्रकार से इसका लाइन उतार लेंगे। एक बार निशान आ गया और हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा थोड़ा हम किक कील मार लेंगे इस प्रकार से। और अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका देख रहे हैं फ्रंट भाग, यहाँ से आधा इंच आपको छोड़ के इस प्रकार से यहाँ पर भी कील मारना है। हम क्या करेंगे, ब्रेक के और ये जो हमारा प्लाईवुड जैसे हमारा ये साइड हमारा ऐसा लगेगा, अब ये जो मेरे बेक साइड आएगी बेक साइड के बीच में और इसके ये बीच में आधा इंच का गैप रखेंगे, ताकि यहाँ जो जूता रखेंगे उसका जो भी मतलब कचरा होगा वो पूरा यहाँ से जाके नीचे उतर जाएगा और साफ सफाई करने में इजी रहेगा। ये दो प्रकार से आप मार्क कर लीजिए, ये हमारा हो गया 9.5। अब जो हमारा यहाँ से आ रहा है उतना हम आगे आगे कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मार्किंग हो गया, इस प्रकार हम दूसरी साइड में मार्किंग कर लेंगे और फिर हम सेल आपको लगा के बताते किस प्रकार से लगाया जाता है। तो पेंट देखिए, यह हमने स्लब लगा दिए इसके अंदर, सामने से हमने 9.5 इंच रखा है, पीछे से 8 इंच है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में, मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ कि हमने किस प्रकार से रखा है। ये देखिए बैक साइड में हमने क्या किया है,
इस प्रकार से हमने इसको गैप रख लिया है ताकि जैसे मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे ये बैक शीट लगाएंगे तो ये बैक शीट के बीच में और इसके बीच में ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से आधा इंच का गैप रहेगा। तो यहाँ पे जो भी मतलब ऐसे जूते रखेंगे तो उसका जो भी कचरा होगा वो यहाँ से सीधा एकदम नीचे वाले एकदम जो ये नीचे वाला टॉप है इस पर आ जाएगा और सफाई करने में एकदम ईजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी शेल्फ डाल सकते हैं, बहुत ही मतलब ईजी और ये यूनिक तरीका है, अभी तक आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा शायद।